एवरीवन, वेलकम टू एसएम केमिस्ट्री चैनल। और हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका लेक्चर नंबर 1 आपने देख लिया होगा एंड दिस इज लेक्चर नंबर 2। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से इस बार भी पेपर में आया हुआ था। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं? दीज आर वेव्स, ठीक है, विच आर ट्रांसमिटेड व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स मूव अंडर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूसिंग अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कहते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव है, ठीक है, जिसमें हमारे पास बड़े तरह की रेडिएशंस हैं और जिनका डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास वेवलेंथ होता है और डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती हैं। जो ईएम वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती पास करने के लिए, एंड दे कैन ट्रेवल इन द वैक्यूम। वैक्यूम में वो ट्रेवल कर सकती हैं विद द स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। अगर ये रेडिएशन जो है हमारे पास, इसमें दो तरह के करेक्टर्स इन्होंने शो किए कि इसमें वेव करेक्टर है एंड पार्टिकल करेक्टर है। अगर वेव करेक्टर है तो वेव कैसे चलती है? ऐसे कैसे? अगर मान लो कि एक रस्से को आपने, ठीक है, रोप ले ली, रस्सी ले ली, एक आप जगह पे बांध दो इसको, ठीक है, मान लो हैंडल से बांध दिया, यहाँ पे दूसरे एंड फ्री है, जैसे एक्सरसाइज करते हैं पकड़ के हम रस्सा ऐसे ऐसे खींचते हैं, रस्से को खींचा तो उसमें पूरा एक जर्क बनता है ऐसा, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो रोप में ऐसे ऐसे जर्क आएगा, दैट इज वेव। ठीक है, एक पत्थर उठाओ, पानी का तालाब है कोई, ठीक है, या खड़ा हुआ कहीं पे भी पानी है, उसके बीच में पत्थर फेंक दो, तो वहां पे क्या होगा, जहां पे आपने पत्थर फेंका है तो देखा होगा आपने बिल्कुल ऐसे 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 गोल गोल पानी का बहाव शुरू हो जाता है अंदर की तरफ, तो ये एक वेव का करेक्टर है। ठीक है, तो वेव का करेक्टर है तो उसके रिलेटेड हमारे पास 4-5 टर्म्स हैं, जिसकी आपने थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस को याद करना है, फॉर्मूला देखना है। तो चलिए जी पढ़ते हैं उसका। वेव लेंथ क्या होती है? ये वेव थी, ये ऊपर है हमारे पास इस पॉइंट से, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, जो ऊपर वाला होता है ऐसा, ठीक है, कर्व, उनके बीच का डिस्टेंस, ये दोनों क्या है? क्रेस्ट। नीचे वाले जो कर्व है उसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट, या तो दो क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस या दो ट्रफ्स के बीच का डिफरेंस जो है उसको क्या बोलेंगे? लैम्बडा, जिसको वेव लेंथ बोलते हैं, और इसका सिंबल क्या है? लैम्बडा। ठीक है, तो दो क्रेस्ट और ट्रफ्स के बीच का जो हमारे पास डिस्टेंस है, दैट इज वेव लेंथ। ठीक है, चलो उसके बाद आता है वेव नंबर। ठीक है, वेव लेंथ है तो लेंथ वाली यूनिट सारी इसके ऊपर एप्लीकेबल है। सेकेंड है वेव नंबर। वेव नंबर वेव लेंथ का रिवर्स होता है। सीधे लफ्जों में आपने जो याद करना है कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1/लैम्बडा, 1/लैम्बडा वेव लेंथ। तो वेव लेंथ के ऊपर इनवर्स में जितनी भी यूनिट, जैसे मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, तो इनवर्स लगा देना है तो वो यूनिट्स बन जाएंगी वेव नंबर की। इट इज नंबर ऑफ वेव्स पास्ड इन अ यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स पास हो रही हैं उसको वेव नंबर बोलते हैं। थर्ड है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। मान लो एक ये वाला पॉइंट है, वेव जा रही है ऐसे, ठीक है, तो 1 सेकेंड में इस पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही हैं उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। और इसकी जो यूनिट है वो होती है हर्ट्ज एंड सेकेंड माइनस 1। आई एम लिटिल फास्टर बिकॉज दीज टर्म्स आर वेरी इजी, और आप सभी को ये टर्म्स आती हैं। जहां पे करने वाला काम होगा मैं थोड़ी सी स्लो हो जाऊंगी वहां पे। चलिए जी, स्पीड। स्पीड क्या होती है? इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। स्पीड को बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम से लेते हैं हम, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है 1 सेकेंड में वेव ने, दैट इज स्पीड। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू म्यू लैम्बडा, सी इज इक्वल टू म्यू लैम्बडा, और इसकी स्पीड होती है, यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। चलो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का जो है हमारे पास इनवर्स। फ्रीक्वेंसी म्यू से है
म्यू इक्वल टू 1 बाय टी, जो टी है दैट इज टाइम पीरियड, उल्टा कर देना है उसका। एम्पलीट्यूड, वेव थी ऐसे, या तो क्रेस्ट की हाइट ले लो ठीक है, या आप ले लो ट्रफ की हाइट, इक्वली होगी दोनों ठीक है। कभी भी वेव में ऐसा नहीं हो सकता क्रेस्ट ज्यादा ट्रफ कम है, तो हाइट ऑफ क्रेस्ट या फिर लिख लो हाइट ऑफ ट्रफ, उसको क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और स्मॉल ए से लिखते हैं इसको, क्या है ये एम्पलीट्यूड ठीक है। तो दीज आर सम बेसिक टर्म्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है शुरू, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस पे क्वेश्चन इस बार आया हुआ था, वेव्स दी हुई थी और पूछा गया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लिखो ठीक है, तो उसमें से आपने आंसर देना था। देखिए बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं हमारे पास, जितने तरह की हैं मैं बता रही हूँ, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव रेज, रेडियो वेव्स, इसके आगे टीवी वेव्स भी लिख सकते हो आप। तो ये है सारी रेडिएशंस ठीक है। कैसे याद करोगे इसको, ऐसे तो आपको याद होंगी नहीं, क्योंकि अगर ये याद नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप नहीं कर सकते। तो याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक्स देखिए, आपने याद करना है तीन तीन के पेयर में ठीक है। देखिए सी जी एक्स ठीक है, यू वी आई, सी जी एक्स यू वी आई, सी जी एक्स यू वी आई, एम आर टी वी, एम आर टी वी, एम आर टी वी, तीन बार तीन चार बार बोल के देख लेना याद हो जाएगा ठीक है। सी जी एक्स यू वी आई एम आर टी वी। अब इस पैटर्न में मैंने लिख दिया, तो ये एरो मैंने लगा दिया ऐसे, ये यहां से यहां तक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज होती हैं। क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, और वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी डिक्रीज ठीक है। वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो याद रखना है सी जी एक्स यू वी आई एम आर टी वी। तो ऐसे जब जाओगे राइट हैंड साइड पे, तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। सी फॉर कॉस्मिक रेज, जी फॉर गामा रेज, एक्स फॉर एक्स रेज, यू वी मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेज, आई फॉर यू फॉर अल्ट्रा वायलेट रेज, वी फॉर विजिबल रीजन, आई फॉर इंफ्रारेड, एम आर ठीक है, एम मीन्स माइक्रोवेव, आर मीन्स रेडियो वेव, टी वी मीन्स टीवी वेव्स ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बस इसको याद रखना है, क्वेश्चन इसी में से ही आता है। और विजिबल जो रीजन है आप लोगों ने याद रखना है, इट इज 400 to 1800 नैनोमीटर, 400 से लेके 800 नैनोमीटर तक का जो रीजन है वो विजिबल रीजन होता है। कोई भी चीज अगर हमें दिख रही है, जिसको हम आंखों से देख रहे हैं, कोई कलर आपको दिख रहा है, इट मीन्स उसकी जो हमारे पास वेवलेंथ है वो 400 से 800 के बीच में ही है, तभी है वो चीज हमें विजिबल है। विजिबल रीजन में हमारे पास 7 कलर्स होते हैं, विब ग्योर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और रेड की अगर आप ऐसे चल रहे हैं राइट हैंड साइड की तरफ, मैंने तब भी बताया था क्या है वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, तो रेड की वेवलेंथ क्या होगी सबसे ज्यादा, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम, रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी सबसे कम, और वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, क्योंकि इसी पैटर्न में ये अरेंज है। हॉस्पिटल्स के साइंस हैं जो ठीक है, जो एम्बुलेंस पे रेड कलर का लगा होता है, या कोई कोई ट्रेन जा रही है, कोई मिस हैपनिंग है, तो रेड कलर का क्लोथ दिखा के क्यों रोकते हैं, क्योंकि जो रेड है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और बड़ी दूर से रेड कलर विजिबल हो जाता है। दैट्स वाई जो इमरजेंसी सिग्नल्स हैं या जो सिंबल्स बने होते हैं वो रेड कलर से दिखे होते हैं ठीक है। चलो जी, उसके बाद आ गया हमारे पास प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो पार्टिकल नेचर थी और वेव नेचर थी, वेव नेचर के अकॉर्डिंग तो हमने पढ़ लिया था वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, या ये सब चीजें। पार्टिकल नेचर जो था वो प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। उसमें प्लैंक क्या बोलता है कि मान लो कि कोई भी पार्टिकल है या कोई चीज है, अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है ठीक है, मान लो ये पेन है, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद ऑब्वियसली अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो वो बाहर भी निकलेगी, एमिट भी करेगा। तो ये पेन जो एनर्जी को लूज करेगा, वो ऐसा नहीं है कि जितनी एनर्जी इसने ली है साथ की साथ वो निकाल देगा, नो,
वो पहले निकालेगा फिर रुक जाएगा, फिर निकालेगा फिर रुक जाएगा, मीन्स दिस प्रोसेस इज नॉट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को एमिट नहीं करेगा, दिस प्रोसेस इज डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और जो एनर्जी रुक रुक के ऐसे बाहर निकलेगी, दैट आर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको आप क्वांटा बोलते हो, ठीक है। वो जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी में हमारे पास मिशन हो रहा है, दैट आर नोन एज क्वांटा। और वो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी के, ई इक्वल टू, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, फ्रीक्वेंसी। इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब भी हटाते हैं, आपको पता है कि कोई कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस करना होता है, तो ई इक्वल टू एच म्यू। एच क्या है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6.62 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, ठीक है। E इक्वल टू एच, म्यू किसके बराबर होता है, c बाय लैम्बडा, c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्बडा क्या है वेवलेंथ। तो यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है एक्सप्रेशन आ रहा है, तो इससे आपको कुछ भी निकालना दे सकते हैं, वो वेवलेंथ निकालने के लिए बोल सकते हैं, एनर्जी के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ये निकलेगी, चलिए देखिए, एनर्जी ऑफ एन फोटोन, कल कोई न्यूमेरिकल में nth फोटोन की बात हो रही है कि एनर्जी निकल रही है मतलब इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और लास्ट जो है फोटोन उसकी एनर्जी कैलकुलेट करो, तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन है सेम यही फॉर्मूला, उसके आगे मैंने n लगा दिया, n n अब पहला फोटोन भी हो सकता है, सेकेंड फोटोन भी हो सकता है, थर्ड भी, मतलब अप टू जितने भी उसमें है, बट ये पॉइंट्स की फॉर्म में कभी भी नहीं होगा, ठीक है, पॉइंट की फॉर्म में कभी भी नहीं होता, ऑलवेज 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आएंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स। देखिए E इज इक्वल टू, ठीक है, सपोज हमारे पास जो फॉर्मूला था, H कितना है प्लैंक कांस्टेंट, 6.62 × 10⁻³⁴, C कितना होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, कितनी होगी 3 × 10⁻⁸, लैम्बडा हमारे पास ऐसा ही है। इन सभी को जब आपने मल्टीप्लाई वगैरह किया तो हमारे पास आ गया 19.86 × 10⁻²⁶, और इसको और आगे से इसको अपने जो है जो इसकी फिगर्स को ठीक करके लिखा तो हमारे पास आ गया 2 × 10⁻²⁵। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मीटर की फॉर्म में लिख रहे हैं हम, लैम्बडा लैम्बडा मीटर की फॉर्म में है तो ये वाले रिलेशन चलेंगे। अब देखिए, अगर लैम्बडा हमारे पास एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, ठीक है, और एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है तो आपने ये वाला फॉर्मूला निकालना है, एनर्जी इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी एनर्जी, किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो न्यूमेरिकल का पैटर्न देखना है आपने, अगर एनर्जी को उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में निकालो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर लैम्बडा एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में दिया हुआ है तब भी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जाउल। तो अगर जाउल में निकालना है तो इस टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 × 10⁻¹⁹ से, ठीक है, तो वो जाउल में आ जाएगी। तो न्यूमेरिकल की फॉर्म में देख के यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कभी भी न्यूमेरिकल सीधा नहीं होगा, दिमाग के में बैठा के रखना, अगर सॉल्व कर भी लेते हो तो क्रॉस चेक यूनिट्स को जरूर करना है, क्योंकि पंगा ही वहां पे होता है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले उसको आप अच्छे से याद करना, लिख के देखो इसको दो दो तीन तीन बार, याद हो जाएगा आपके। अब देखिए इसको कैसे यूज करना है, ठीक है, अगर आप नोट कर रहे हैं तो आपको ये चीज पता चल रहा होगा कि हर टॉपिक करने के बाद, चाहे वो दो लाइनों का ही टॉपिक है, उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल जरूर दिए हैं, दो दो तीन तीन न्यूमेरिकल में जरूर आपको अलग अलग पैटर्न के दे रही हूँ, वो भी सेम नहीं कि अलग अलग पैटर्न के, कि पेपर में कैसे आ सकते हैं, और ये सारे न्यूमेरिकल किसी ना किसी एंट्रेंस में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ऐसे ही पैटर्न आपको कोई ना कोई पेपर में मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा इसका। वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन एक्सीड्स फ्रॉम 400 nm to 750 nm, फाइंड दिस इज इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। कहते कि विजिबल रीजन है जो, उसकी वेवलेंथ हमें पता है 400 से 800 तक का विजिबल रीजन है, ठीक है, इन्होंने 400 टू 750 नैनोमीटर मेंशन कर दिया, और इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ कि क्या होगी, ठीक है। देखिए हमारे पास जो होता है लैम्बडा, वो क्या होता है, सी बाय म्यू, क्या होता है, सी बाय म्यू, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, म्यू क्या हो हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ये हमने पीछे निकाला था प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बाद, ठीक है, ई इज इक्वल टू एच म्यू, ऐसे लिखा था ना, ई इज इक्वल टू एच म्यू विच इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, और ये इनका आपस में रिलेशनशिप है।
अगर मैं बात करूं लैम्बडा वन की, क्योंकि दो फ्रीक्वेंसीज हमें निकालनी पड़ेंगी, लैम्बडा वन कितना होगा, सी बाय म्यू वन। म्यू वन निकालो कितना आएगा, सी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और लैम्बडा हमारे पास कितना है, 400 नैनोमीटर। नैनो है तो 10⁻¹, तो इसको जब सॉल्व किया तो आ गया 7.5 × 10⁻¹⁴ हर्ट्स। लैम्बडा टू की बात करें तो हमारे पास यहाँ से फ्रीक्वेंसी टू निकल जाएगी, वो हम सेम फॉर्मूला से डिवाइड कर दो इस वाली फ्रीक्वेंसी हमारे पास वेवलेंथ के साथ, और आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻¹⁴ हर्ट्स। ठीक है, फॉर्मूला सिर्फ आपके माइंड में, तभी मैं बोलती हूँ कि पढ़ने से ज्यादा जरूरत होती है। लास्ट के 1 मंथ में आपने न्यूमेरिकल्स को, आपने कन्वर्जन्स को, क्योंकि केमिस्ट्री सारी आपकी इसी बेस पे चलती है, जितना मर्जी पढ़ते रहो आप, पर जब तक आपके फॉर्मूलाज नहीं याद, जब तक आपके रिएजेंट याद नहीं है, जब तक आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लोफाइल का नहीं पता, केमिस्ट्री आप कभी नहीं कर पाओगे। कभी मास्टर कैडर का एग्जाम है वहां पे गलतियां करते हो जाके, या कोई भी एंट्रेंस है वहां पे आपसे गलतियां डेफिनेटली होंगी, क्योंकि ये सारी आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, जैसे घर का एड्रेस याद है ना, हर एक वीडियो में मैं बोलती हूँ, तो वैसे ही याद रख लो ये न्यूमेरिकल्स के जो फॉर्मूलाज हैं, एक जगह पे नोट करते जाओ, ठीक है, और ये आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, देखो, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज 250 एंगस्ट्रॉम। अब ध्यान रखना है क्या दिया है, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में 250, ठीक है। कैलकुलेट करना है म्यू, म्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, म्यू बार इट मीन्स वेव नंबर, एनर्जी निकालो जाउल में, एनर्जी निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल का क्या मतलब है मेरा, मैंने सारी यूनिट्स को एक ही जगह लिख दिया, अब जब आप करोगे एक ही न्यूमेरिकल से सारा टॉपिक एज चुटकियों में याद हो जाएगा। चलिए, म्यू किसके बराबर होता है, सी बाय लैम्बडा के। म्यू निकल गया सी बाय लैम्बडा, कैसे, 3 × 10⁸, लैम्बडा कितना दिया हुआ है 250, एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻¹, और यहां से निकल गई फ्रीक्वेंसी, निकाल ली, ठीक है। अब म्यू बार, म्यू बार जो है हमारे पास वो होता है वेव नंबर, वेव नंबर किसके बराबर होता है, 1 बाय लैम्बडा के। 1 बाय लैम्बडा कितना होगा, 1 बाय 250, एंगस्ट्रॉम था तो 10⁻¹ कर दिया, सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया ये, ठीक है। अब निकालना है एनर्जी इन जाउल, ठीक है। पहले देखो ध्यान से, लैम्बडा किसमें दिया गया है, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम वाला फॉर्मूला क्या था, 12400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम, वो निकल जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ऐसा ही था ना मैंने लिखा हुआ, ठीक है। तो नोट्स ध्यान से देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारा पेपर इसी में से होगा डेफिनेटली, क्योंकि एक भी टर्म मैंने स्किप नहीं की इसमें से, कि कहीं ऐसा हो कि क्यों न्यूमेरिकल मैं लिख रही हूं इतने, ठीक है, ये हो ही जाएगा, एक एक ऐसा नहीं होता। फॉर्मूला एक है, पर आप देखिए कि इसकी वेरिएशन न्यूमेरिकल्स की कितनी आ रही हैं आपके पास। चलिए, एनर्जी जो है वो 12400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में, वो निकलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 12400 डिवाइडेड बाय 250, तो हमारे पास आ गया आंसर 49.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने आपको बताया था कितने बराबर होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ जाउल। पेज टर्न करके देखो अपना कॉपी में जो आपने लिखा है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो इस सारे टर्म को, तो हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगी वो क्या आएगी, जाउल में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। चलिए जी, उसके बाद है एनर्जी गिवन इज इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें एनर्जी दी गई है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे आपने निकालना है एनर्जी इन जाउल। इसका लैम्बडा निकालो, वेवलेंथ निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, इसका वेव नंबर निकालो, इसका करके बताइए मेरे को, ये सारे इसके आंसर हैं, और मेरे को बताओ कमेंट में कि आपसे ये सॉल्व हो गया न्यूमेरिकल। चलिए, जब ऐसे न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने लग गए ना, तो समझ लेना कि आप जो न्यूमेरिकल्स के ऊपर आप मास्टरी कर रहे हो। चलो, टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम एंड 4000 आर गिवन। दो रेडिएशन दी हैं, एक की वेवलेंथ 2000 है, एक की 4000 है, और क्या दिया है, एंगस्ट्रॉम, याद रखना है। कैलकुलेट एंड कंपेयर देयर एनर्जीज। पहली बात, एंगस्ट्रॉम है, एनर्जी का एंगस्ट्रॉम के साथ क्या रिलेशन था, 12400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम, और वो निकलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर, ऐसा ही था फॉर्मूला लिखा हुआ। दो वेवलेंथ है तो दो एनर्जीज निकलेंगी, दोनों का रेशियो निकालना है। E1 आएगा एच सी अपॉन लैम्बडा वन। लैम्बडा वन कितना है, ठीक है, एनर्जी निकालो, 12400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा वन,
2000, हमारे पास आ गई 6.2। E2 कितना आएगा, 12400 डिवाइडेड बाय 4000 एंगस्ट्रॉम, 3.1 इलेक्ट्रॉन। किसकी एनर्जी ज्यादा है, E1 की, तो E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक है, तो हो गया कंपैरिजन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। तो याद क्या रखना है, बेसिकली शॉर्टकट्स क्या फॉर्मूलाज के। चलिए ठीक है, तो ये था हमारा सारा पार्ट एनर्जी के रिलेटेड। ठीक है, जितना हमने पढ़ लिया, इसकी एप्लीकेशंस पढ़ ली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ लिया हमने, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।